रुखसार बेगम हमारे हाथों की कठपुतली बनी है, मामूली से सौदा है, चिराग ले आओ, मम्मी को फारिग करा ले जाओ, सौदा मंजूर। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे वतन, सबकी जिंदगियां तुम्हारे इस जवाब पर टिकी है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, काला चिराग लाओगे या नहीं? हम नहीं जफर, अलादीन ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने अपने कान बंद कर रखे हैं। मुझे इसे यकीन दिलाना होगा कि सबकी तरह मैं भी होश खो रही हूँ। सही खेल गए। जफर, लगता है तेरी उम्र हो गई है, इसीलिए ऐसी फीकी सी चाल चली। कुदरत ने आपको इतना नायाब तोहफा दिया, इतनी अच्छी आवाज दी, और आपने इसी तोहफे को उसी के बनाए इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आपने तोहफे की तोहीन की। इधर उधर देखना बंद करो, तुम्हें जादू करना आता है तो उतारना भी आता होगा। अरे क्या चड्डे का नारा है, क्या उतर जाएगा? मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम पर अपना गुस्सा निकाल दूं? तुमने सोच क्या था? जीनू, अपनी जादू से सबको जल्दी से ठीक कर दो। तो, उड़ जाएंगे फेरूज के होश जब आएगा सबको होश। जी 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 जी। छोटी, इत्मीनान रखिए, बगदाद पर मुसीबत आई थी तो खुदा के कर्म से टल चुकी है। अब आप सब अपने अपने घर जाइए। अब आपके साथ क्या किया जाए फेरूज भी? पानी पिलाया जाए? रुकिए रुकिए रुकिए। फेरूज अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। अरे अरे चिल्लाइए मत, गाइए, गाना गाइए गाना। ये कैसे गाएंगी, मैं तो भूल ही गई। ये जो पानी मैंने आपको पिलाया ना, इसमें कुछ ऐसा मिला है कि इसके बाद अब आप कभी नहीं गा पाएंगी। पानी में क्या था सुल्ताना? सुल्ताना, ये है आवाज पकाओ। मसाले को खाने के साथ ही पानी में मिलाकर फिर उसको दे दीजिएगा, मसाले से उसकी आवाज चली जाएगी। माशाल्लाह, प्यारी परेशानी जी, आपका तो जवाब नहीं। वाकई सुल्ताना, आपका कोई जवाब नहीं? चुलबुल की होशियारी का जवाब नहीं। अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, सब बहुत घबराए हुए हैं। तुम जाकर देखो कि सब ठीक से घर पहुँचे या नहीं। जी। सिपाहियों, इसे जल्द से जल्द महल से बाहर निकालो। जीनू, तुम मेरे साथ चलो। हाँ। तो
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने जादू से हमारी अम्मी का इस्तेमाल करो? गुनाह किया है, सजा भी भुगतो। भाईजान एक बात कहूं, आप ना ऐसी किसी सजा के लायक है वैसे तो। दो कौड़ी की चाल चली है ना आपने। बंदर को ना तो नोच लेंगे और घुसेड़ देंगे इसके अंदर। सब कहना क्या चाहते आप? यास्मीन ने अपने कान बंद किए और वो बच गई। नाज है हमें आप पर। आका, यू नो, अच्छा हो तुम आके। अब जल्दी से अपने जादू से इन्हें फिर से कैद खाने में बंद कर दो। हाँ, तो मेरे आका, हलवा है खजाना, फिर से बंद हो जाए ये कैद खाना। जी 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 चिंकी। उसको यहाँ से दूर भेज दिया गया है और तुम दोनों को भी जल्दी सजा सुना दी जाएगी। तब तक पड़े रहो यहाँ पर। तब हमारे कमरे में आओ। अम्मी, आशी। अब क्या हुआ? अब क्यों मुस्कुरा रही हो? क्योंकि भाईजान, कुहार अब भी मेरे पास है और रुखसार अब भी मेरे कब्जे में। रहार? भाईजान? चिनू, अम्मी को जहर के जादू से आजाद करो। शहजादे अलादीन, सुल्ताना, सब लोगों को हिफाजत से घर पहुंचा दिया। शुक्रिया अंगूठी शाह। चिनू, तो वक्त के समोसे में हो जाती है गुजर बसर, अम्मी पे ना रहे जहर के जादू का असर। जी 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 जी। चिनू, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं भाई, क्या करूं? भाई तुम जिन्नात की किताब गिर जाओ और पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है छोटे, आप फिक्र मत करिए भाई, मैं अम्मी को ठीक करके रहूंगा। कोठी के पराठे, आम का अचार, शहर का जादू हो बेकार। जी 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 जी। दिन में होते हैं आठ पहर, भाड़ में जाए जादू ए जहर। जी 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 जी। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा जादू काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं जी, अम्मी आप में सुन रही है ना? अम्मी कुछ बोलिए अम्मी। अम्मी, ये तो बंदर का बच्चा है, आप मुझसे बात कीजिए ना। आंखें खोलिए, कुछ बोलिए अम्मी। भाई मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अम्मी को जहर के काले जादू से निजात दिला के ही मानूंगा। अम्मी है साथ तो हम है आबाद, काले जादू से हूँ अम्मी आजाद। जी 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 जी। अम्मी, अम्मी,
अम्मी हालात। हमारी वजह से तुम सबको बहुत बहुत तकलीफ हुई ना। नहीं अम्मी, आपकी गलती नहीं है, जहर ने आप पर जादू किया था। इरादा वो दोनों है यास्मीन, और सरिया तो हम बन गए ना। हमें माफ कर दो। इतनी जोर से भी नहीं लगी थी बड़ी उस्ताद। अम्मी अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको हकीम साहब के पास लेकर चलती हूँ। आइए भाई, बताइए अगर आज मेरा जादू काम नहीं करता ना, तो मैं अपने जादू की टांग तोड़ देता। लेकिन तुम्हारा जादू काम कर क्यों नहीं रहा था? बड़ी अजीब बात है। बात अजीब नहीं, बिल्कुल सीधी सी है। मैंने जिन्नात के किताब घर में पता लगाया, फैरूज के जादू के आगे बाकी सब जादू कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए जब तक वो यहाँ थी छोटे का जादू काम नहीं कर रहा था, और उसके जाते ही छोटे का जादू काम करने लग गया। चिनू, जब तुमने कैद खाने को अपने जादू से बंद किया था, तभी तो फैरूज वहीं पे थी। इसका मतलब कैद खाना भी बंद नहीं हुआ होगा। अल्लाह बल्ला, बीबी छा गए करीबी, तुम भाग गए। फैरूज के यहाँ पर होने की वजह से जिन्हों का जादू सलाखों पर भी काम नहीं किया, और ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो चुप थे और सही मौके के ताक पर थे। और बगैर जादू के बिना उन दोनों को यहाँ से भाग देना बच्चों का खेल होगा। हाँ, ना जाने वो लोग कहाँ पर छुप कर बैठे होंगे। बेहतरीन, हमें कैद खाने में कैद करना उसके बस की बात तो नहीं है भाईजान। वैसे भाईजान, हम कैद खाने के अंदर रहकर उनकी ये हालत कर सकते हैं, तो अब तो हम आजाद हैं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। करेंगे सहर, जरूर करेंगे। इसके बाद उस लौंडे को कोई भी मौका नहीं मिलने वाला ताकि वो हमें मात दे सके। दो जिंदगियों से जहर, दो जिंदगियों से चलते हुए आ रहे इस खेल की आखिरी चाल को चलने का वक्त आ चुका है। हमने तय कर लिया है चाल क्या होगी, मोहरे कौन होंगे, और हम किस हद तक जाएंगे अपनी जीत को हासिल करने के लिए। बस अब चाल तय करेगी कि जीतेगा कौन, हम या वो लौंडा अलादीन। सही खेल गए, हमारी लापरवाही की वजह से जफर और जहर गायब हो गए। नहीं भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि गलती मेरी है। अगर मेरा जादू पहली मर्तबा में बिल्कुल सही काम करता तो वो दोनों आज भाग नहीं पाते। आप दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं है, उन जहरीलों की किस्मत उनका साथ दे गई। अपने जादू से पता लगाओ कि वो दोनों कहाँ हैं। जो मेरे आका, उधर पड़ा हुआ था। ये तो वही तावीज है जिसे जहर ने अम्मी को बस में किया था। अरे वाह, अब हम इसकी मदद से उन तक पहुंच सकते हैं। रात के बाद आती है शहर, कहां है जफर और शहर? जी 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 जी, जी। चिनू, ये क्या हो रहा है? मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं। नहीं चिनू, नहीं नहीं, नहीं।
हाथों से काम और बिगड़ रहा है, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हदी, मुझे ये मिला जहर का बनाया हुआ जहर, और मैंने इस जहर के बारे में किताब में पढ़ा है, ये खोए हुए लोगों को ढूंढने के काम आता है। यानी कि इसके सहारे हम उन दोनों तक पहुंच सकते हैं, है ना जीनू? बिल्कुल सही कहा भाई, जहर की चीजों पर मेरा जादू काम नहीं करता है, लेकिन उसका खुद का जहर उसके जादू पर जरूर काम करेगा। सफर और जहर भले ही भाग गए हो, लेकिन वो हमसे बच नहीं पाएंगे। वो जहां पे भी बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। भाई साहब, हम कहां जा रहे हैं? किसी से मिलने जा रहे हैं, चलो। किसी से मिलने? आपको मालूम है हम कैद खाने से भागे हुए मुजरिम हैं। अब किसी ने हमें पकड़वा दिया या फिर हमें वापस सुल्ताना ने कैद खाना पीछे रह चुका है, अब उसे भूल जाओ। आगे क्या सब सुनो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। आगे दो रास्ते हैं, एक वो जो हमें हमेशा के लिए पकड़वा के हमारी जिंदगी खत्म कर देगा, और दूसरा वो जो उस डरने छुपने की वजह को ही खत्म कर देगा, और जो हम करने वाले हैं। कैसे? शहरसादे की मदद से। भाई आप बहुत खतरनाक मुहिम पे जा रहे हैं, थोड़ा तो ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो जीनू, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, मैं जो हूं उसके साथ। तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही, तुम्हें बता रही हूँ। अब मैं बगदाद की सुल्ताना हूँ अलादीन, और बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन को ढूंढ कर सजा देना मेरा हक भी है और फर्ज भी। और आप दोनों के साथ जाना मेरा हक है, मेरा फर्ज है। मेरा भी बिल्कुल है, लेकिन जहर और जफर आजाद है। अगर हम चारों यहाँ से चले गए तो फिर हमारे पीछे अम्मी और अवाम का ध्यान कौन देगा, उनकी हिफाजत कौन करेगा? देखो, तुम दोनों का यहाँ पर रुककर अवाम की हिफाजत करना उतना ही जरूरी है जितना हमारा जहर और जफर को ढूंढना। अलादीन, यास्मिन, इतने जरूरी काम के लिए जा रहे हो, मुंह मीठा किए बिना नहीं जाने दूंगी। एक दूसरे के साथ रहोगे तो हमेशा जीतोगे, ये बात याद रखना, और इस बारे में सोचना। अम्मी, इस वक्त मैं सिर्फ इस मुहिम के बारे में सोच रही हूँ। एक बार जहर और जफर को पकड़ लूं, फिर आपकी बात के बारे में भी, और मेरे दिल में जो सवाल हैं उनके बारे में भी सोचूंगी। आपको भूख लग रखा है, देखा नहीं अभी प्यारी परेशानी जी ने आपको देख के क्या कहा? उनके दिल में अभी भी सवाल है, यानी कि अभी भी उनकी ना हाँ बदल सकती है। हमें भी चलना चाहिए। जिनू, इसमें जहर का खोया को ढूंढने का जहर छिड़क दो। जो हुक्म मेरे आका। भाई अब ये तावीज आपको उन दोनों जहरीलों तक पहुंचाएगा। शहरजादा कौन है? शहरजादा नहीं, शहरजादे। ये वो शख्सियत हैं जो कहानियां सुनाती हैं, लिखती हैं, और उन्हीं कहानियों में लोगों को उलझा देती हैं। भाईजान, आप ठीक तो है ना भाईजान? पहले आप उस गाना गाने वाली को लेकर आए, आप कहानी सुनाने वाली को लेकर आए हैं, आप
अलादीन आपका दुश्मन ही है ना, या फिर गोद लिया हुआ बेटा है आपका? सुनो, समझ में नहीं आता ना, सामान मत चलाया करो। सुनो गौर से, हम बाजी पलट नहीं वाले हैं और उसे मुकम्मल करने के लिए हमें काले चिराग की जरूरत है जो हमें शहरज़ादे लाकर देगी। अब हो गई तसल्ली, मिल गया सुकून, आ गया सब समझ में। ठीक है, तब आपने इतना बता दिया है तो ये भी बता दीजिए कि शहरज़ादे आपकी मदद क्यों करेगी? वो इसलिए क्योंकि शहरज़ादे के लिए काला चिराग उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए। शहरज़ादे काले चिराग के काले जिन की बेटी है।